पहली बार संक्रमण का ऐसा खौफ दिखा है। प्रशासन ने अब मंदिरों में भीड़ जुटाने से रोकने के इंतजाम किए हैं। महाकाल में मंगलवार को बिना भक्तों के भस्म आरती हुई, ऐसा प्रशासन द्वारा गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाने के बाद हुई है। इसके साथ ही मंगलनाथ और ओंगेश्वर में भात पूजा बंद कर दी गई। अगले आदेश तक श्रद्धालु भात पूजा नहीं करा सकेंगे। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। मंगलवार से महाकाल मंदिर का अंशक्षेत्र भी बंद कर दिया गया है। मंदिर की धर्मशाला की बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं बुधवार को चिंतामन की जत्रा में भी भीड़ कम करने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालु से अपील की है कि वे यहां ना आए। प्रशासन एसएस रावत के अनुसार महाकाल मंदिर में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद व्यवस्था में यह बदलाव किया गया है। महाकाल में केवल परंपरागत होते पंडे पुजारी भस्म आरती में रहेंगे। जिनकी बुकिंग हो चुकी है और भस्म आरती दर्शन व्यवस्था बंद करने से वे दर्शन को नहीं आ रहे हैं और वे रीशेड्यूल कर सकते हैं या जमा राशि वापस ले सकते हैं। समिति की ओर से उन्हें जमा राशि वापस कर दी जाएगी। भस्म आरती में 1500 से 1700 श्रद्धालु आते हैं, वे एक साथ गणपति और कार्तिक के मंडप में बैठते हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसी के तहत भस्म आरती दर्शन व्यवस्था बंद की गई है। विदेश से आने वाले लोगों से मंदिर प्रशासन द्वारा तैयार किया गया फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि वे पिछले 6 माह से किन किन देशों में रह रहे हैं। उनकी 100% स्क्रीनिंग होगी। उनमें यदि सर्दी खांसी या बुखार के मरीज पाए जाते हैं तो उन्हें देवास रोड स्थित हामूखेड़ी के क्वार्टनाइजिंग सेंटर पर भेजा जाएगा, जहां पर 14 दिन तक मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जिन श्रद्धालुओं की भस्म आरती की बुकिंग हो चुकी है उन्हें मोबाइल पर एसएमएस या फोन लगाकर अनुमति निश्चित की सूचना दे दी जाएगी। आम श्रद्धालु व सकुशल दर्शन पास वाले गणेश मंडप व कार्तिक के मंडप से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में 2 कतार में चलायमान दर्शन व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु को जल्द बाहर करने की कोशिश की जाएगी। कलेक्टर शशकांत मिश्र की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया गया है। मंगलनाथ मंदिर प्रशासक नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि भात पूजा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए भात पूजा पर रोक लगाना उचित समझा। एसडीएम जगदीश मेहरा ने बताया कि चिंतामान दिनेश की यात्रा को लेकर आम श्रद्धालु से अपील की गई है कि वे यात्रा में भाग ना ले। रावत ने बताया कि इसके पहले सिंहसत के समय गर्भगृह में श्रद्धालु का प्रवेश बंद किया था। किसी बीमारी के चलते पहले भी किसी का प्रवेश नहीं किया। ज्योतिराचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने कहा कि उनके जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है जब महाकाल में भस्म आरती दर्शन पर आम श्रद्धालु के लिए रोक लगाई गई है। अच्छा डिसीजन लिया है जो इन्होंने बंद किया है, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी तो हमें आ पाएंगे और बाबा की कृपा से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.